इधर की भी एक स्टोरी है। जो पद्मनाभ महाराज थे इधर, वो उधर खुद रहते थे, जिनका ये मठ है वो उधर खुद रहते थे। उनका इधर घर भी है और कुआं भी है। ये यहाँ पे खुद पद्मनाभ महाराज खुद रहते थे। ये सारी जो चीजें है ना, वो उन्हीं की चीजें हैं। हाँ। सारे मंदिर तुझे पता है बहुत ही हिस्टोरिक है और उनके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, राइट नाउ आई एम इन कारवार एंड ये मेरा लास्ट टाइम है इसे बोलने का, क्योंकि आज हम लोग निकलने वाले हैं। आज है 31 मई एंड आज हमें इधर से जाना है। हम इधर 15 डेज रहे हैं शुभम, राइट? बहुत बुरा लग रहा है गाइज। हाँ, और जो हमने मजा किया इधर गाइज, वो बहुत ही ऑसम है। और हमने सारी जगह ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर ली है। हाँ। बट हमें आज जाना है मंदिर में। एक्चुअली मेरा मंदिर में जाना रह गया था, क्योंकि हम इधर इधर घूमते रह गए। हाँ, और इधर के मंदिर इतने ज़्यादा सुंदर है और फेमस है। तो हम लोग आज, मैं शुभम को इधर के सारे मंदिर दिखाने वाली हूँ। ओके शुभम, बाय द वे गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं स्कूटी पे। पहली बार हम लोग इधर आए थे तब से स्कूटी पे गए नहीं थे, और आज पास में ही है मंदिर, इसलिए हम लोग सोचा स्कूटी लेके जाते हैं। और इधर ना हेलमेट बहुत ज़्यादा। हाँ, इधर हेलमेट इतना कंपलसरी लाइक पहनना ही पड़ता है। अगर हमें इधर से उधर लाइक पास में भी जाना है तो भी हेलमेट पहनना पड़ता है। पहले आए हैं गुरु मठ में। इधर का ये बहुत ही फेमस मंदिर है, और जब भी हर साल हम लोग इधर आते हैं, इधर आते ही है, मतलब पहले इधर आते हैं। एंड ये वो मंदिर है, और अंदर बहुत ज्यादा बड़ा है। और जो मैंने जो कल बताया था, हम लोग को फ्रूट्स देते हैं अगर, तो वो इधर ही देते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम जो फ्रूट्स आता है, मतलब ट्रीज़। हाँ, ट्रीज़ का आता है, तो इसी मंदिर में वो देते हैं। ओके। और गाइस, इधर की भी एक स्टोरी है। जो पद्मनाभ महाराज थे इधर, वो उधर खुद रहते थे, जिनका ये मठ है वो उधर खुद रहते थे। उनका इधर घर भी है और कुआं भी है। ये है उनका घर और ये है कुआं। अब हम उधर भी जाएंगे। हाँ, जाते वक्त सर कुआं का पानी पी के जाते हैं। हाँ, वो तीर्थ है वो। ओके। पीना, वो इतना मीठा रहता है पानी, तुझे पता है? हाँ, हाँ, बहुत मीठा रहता है। तो पहले हम लोग भी नमस्कार करते हैं और बाद में पानी पीते हैं, मतलब तीर्थ लेते हैं। तुझे पता है ये जो घर है ना। हाँ। ये यहाँ पे खुद पद्मनाभ महाराज खुद रहते थे। यहाँ पे मतलब। हाँ, यहाँ पे, और ये उन्हीं का घर है। और ये देख, और इधर से अगर हम लोग ऐसे करके देखें ना, तो दिखते हैं अंदर का। यू कैन सी, ये सारी जो चीजें है ना, वो उन्हीं की चीजें हैं, ये सब चीजें। हाँ, सारी इतनी पुरानी है, सोच रहे सब सब उनकी चीजें है। हाँ, इस साइड से भी दिखते हैं। यहाँ पे जो पद्मनाभ महाराज है, हाँ यही है। पता, ये पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत अलग था। अभी मैं 8 साल बाद, अभी ना पूरा चेंज है सब, बाहर मतलब ये बाहर से रिन्यूएट किया है। हाँ, ये तीर्थ है मानवी। हाँ, ऐसे कुओं में से निकालना पड़ता है। दे दे, बहुत मीठा है, बहुत ही ज्यादा मीठा। गाइस, अभी हम लोग आए हैं सेकंड मंदिर में, और इसे बोलते हैं महादेव स्थान। ये उस मंदिर के बहुत पास में ही है। सब मंदिर मानो इधर से पास पास ही है। पास पास में है, दिखिए सब मंदिर। गाइस, पहले हम लोग गए थे गुरु मठ में, और ये है महादेव का मंदिर। तो अभी हमें और आगे जाना है, अभी देवी के मंदिर में, संतोष माता मंदिर, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। इधर से इधर नज़दीक ही है, इधर से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा, बट सारे पास पास में ही है इधर के मंदिर। सो गाइज, अभी हम लोग आए हैं संतोषी माता मंदिर में, वो वहाँ से, वो मंदिर से थोड़ा ही पास में। और ये देखो कितना सुंदर है ये मंदिर, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और मंदिर। और इधर है नदी शुभम। हाँ। वो जो तुझे ब्रिज दिख रहा है वो आगे,
उसे हम लोग गए थे। हाँ, वो काली उधर हम तिलमाती को गए थे, इसी ब्रिज से गए थे। और ये गाइस इधर की एक स्पेशलिटी है, लाइक स्पेशलिटी यूनिकनेस है, ये है काली रिवर नदी और ब्रिज के वो साइड है क्या बोलते हैं इसको सी। हाँ। तो वो दोनों का संगम, नदी और समुद्र का संगम होता है उधर। और जो ये नदी का पात्र जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ी नदी। ये लिटरली हमें हर जगह दिखती है, जब भी हम लोग ट्रेन से जाते हैं ना, तभी भी ये नदी दिखती है हमें, काली रिवर बोलते हैं इसको। और इधर बहुत सारे बोटिंग भी करते हैं, बट बोटिंग के लिए ऑब्वियसली हमारे घर वालों ने बोला है बहुत डीप नदी, बहुत डीप है। और मैंने मम्मी मुझे डरती है, मतलब बहुत डरती है कि मत बोटिंग मत कर जाके, हमेशा बोलती है सिर्फ देख। और इधर ही आगे ना काली रिवर गार्डन भी है, लाइक उधर से वो गार्डन है, कितना सुंदर है यार यहाँ पे आगे एक पीस लगता है सच में। मंदिर में तो अलग ही पीस है, मंदिर में तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो गाइस संतोषी माता मंदिर में भी जाके आ गए, अंदर शूट नहीं देख ले पाए क्योंकि अलाउड नहीं था। और गाइस कारवार के सारे मंदिर इतने ज्यादा सुंदर है, ओ माय गॉड। और कारवार में गाइस मैंने देखा है इतने मंदिर, हाँ, बीच और मंदिर बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा बीच और मंदिर बहुत सुंदर है। हाँ। सारे मंदिर तुझे पता है बहुत ही हिस्टोरिक है और उनके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है। बराबर। और वो मुझे इतना डीपली नहीं पता, बट मेरी नानी थी ना उसे सब पता था, मुझे हमेशा बताते रहती थी स्टोरीज, बट अभी वो 8 साल पहले कितने याद नहीं आ रहे, जितना मुझे याद आ रहा है जो बताता जितना बताता उतना याद है। सो गाइस कारवार के सभी तो मंदिर कवर हो गए ना मनवी, सो अबे हम लोग जा रहे हैं मार्केट में। एक्चुअली बहुत सारे मंदिर है कारवार में, सारे तो नहीं कर सकते। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में क्योंकि हमें मुंबई में जाना है, हम लोग घर जा रहे हैं, तो उसके लिए काजू बीजू लेके जाने, इधर काजू फेमस है। और इधर एक चूड़ा मिलता है लक्ष्मी चूड़ा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक टोस्ट मिलते हैं वो मेरे फेवरेट है, छोटे फ्रूटी छोटे से टोस्ट, वो हमारे मतलब में मिलते ही नहीं, इधर ही मिलते हैं, इसलिए हम लोग हर साल लेके जाते हैं ना। साइज मोटी है, साइज छोटी है, तुझे वो पसंद है? नेस्ले का क्लासिक। सो गाइस बदलापुर लेके जाने के लिए काजू और क्या के लिए मांगे, और चूड़ा लक्ष्मी और मैंने कौन सा मानी थी, खारी काजू लिया, मैंने नॉर्मल सर्कल वाला वो लिया है। शुभम तू कहाँ पे गया था? क्या साइकिल घूम के देख के आ गया मैं अभी। वाह अच्छी बात है, बिना बिना चप्पल के की है। हाँ, ये मस्त चला के आ गया ना, मैं कब से तेरी 10 मिनट हो गए मैं गेट पे ऊपर खड़ी हूँ, तेरे वेट कर रही थी। चल अभी अंदर शुभम पैक करना है, थोड़ा सा सामान बचा है, एक राउंड मार के आ गए, चल बाय बाय। सो गाइज हमने आज बहुत सारी जगह हम घूम के आ गए, लाइक ऑलमोस्ट हमने हाफ ऑफ द कारवार ही घूम लिया आज भी, लाइक जो मंदिर बाकी थे घूमना वो भी हमने सब कवर कर लिया। मेरा ना बड़ा मन था इधर के सारे मंदिरों में जाने का, इधर उसको देवस्थान बोलते, सारे देवस्थान में हम लोग जाके आ गए, मतलब ऑलमोस्ट जो मेन देवस्थान है इधर सब जगह गए। और कारवार में जाके लाइक मार्केट में जाके हमने बहुत सारी चीज़ें भी ली जो हमें घर पर खाने के लिए, जो इधर मिलती है उधर नहीं मिलती, ऐसी चीज़ें ली है। और अभी थोड़ी ही देर में हमें थोड़ी सी पैकिंग बची है, मेरे सारे मैंने पैकिंग तो कर ली, सिर्फ थोड़ी सी पैकिंग बाकी है, वो मैं कर लूँगी अभी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।